Today, I'm right way standing in the front of Kiran Cinema in Sector 22, Chandigarh. With me, मेरे साथ हैं, क्या नाम है? राम मेहर सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? 22B. क्या कर रहे हैं आजकल आप? I'm doing study. आप ये बताएंगे, इस बार आप जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, आप वोट करेंगे? अभी तो 50-50 है. 50-50 को क्या मानोगे? भी होप सो यू विल वोट. कुछ पक्का नहीं कह सकते कि आगे वो टाइम ही बताएगा. क्या कारण है जो वोट ना देने के लिए आप शशिपुंज में है, असवेंजर्स में? ऐसा इसलिए, मतलब कोई खास रीजन नहीं है कि कभी भी ना ऐसा देखा मैंने, मेरी जब से वोटिंग कार्ड बनाया मेरा, कि मैं जो ऐसा नहीं लगता कोई भी यंग लीडर या कोई यंग कंपेनर है मेरे पास, कोई आया हो कि भी वोट के लिए अपना मैनिफेस्टो मुझे बताया, ये है वो है. आते हैं एक बुजुर्ग के आगे या जो थोड़े एजड पर्सन है उनके सामने हाथ जोड़ के या उनसे वोट मांगने आते हैं सिर्फ. कभी भी किसी यंगस्टर्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता कि भी उन्हें बताएं कि भी वोट करो या ना करो या हम आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ कराएंगे. मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मोस्टली यंगस्टर्स तो कम ही करते हैं वोटिंग, पर मैं शायद करूंगा. आपका कहना है भाई इनके पास कोई यूथ एजेंडा नहीं है लोगों के, पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस के पास, और अगर इनकी कभी भी यूथ एजेंडा आएगा तो आप वोट करने जाएंगे? या ये मेन रीजन है, अगर कोई यूथ एजेंडा होगा तो तभी हम वोट करेंगे, और इन्हें फिर दिखाएंगे कि यूथ की क्या पावर है, ये भी दिखाएंगे. अगर यूथ भी वोटिंग नहीं करा, वोटिंग का परसेंटेज डाउन होगी और जिन्हें फिर पता चलेगा कि कितने वोटर तुम्हारे अगेंस्ट जा रहे हैं और क्यों नहीं वोट कर रहे. और ये नहीं है कि हम किसी एक के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम तो सभी के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होगी तो इनके आपस में कंपटीशन वोटअप हो जाएगा. आपका आपको फॉर्म नंबर 17 का मालूम है? फॉर्म नंबर 17 का मुझे मालूम है कि उसमें ना वोटिंग का वो अगेंस्ट कुछ ऐसा भी होता है, आई थिंक दैट. उसमें आपको लिस्ट में कोई भी पसंद नहीं है तो फॉर्म नंबर 17 मांगिए और अपने प्रेजाइडिंग ऑफिसर से कि मुझे लिस्ट में किसी को वोट नहीं डालनी, मैं इसलिए वोट नहीं डाल रहा कि ये यूथ एजेंडा नहीं लग रहे, तो वो अलग काउंटिंग होगी उसकी. वो जब टोटल इंडिया का डाटा निकलेगा तो निकलेगा भी इतने परसेंट लोग यूथ वोट इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि वो एजेंडा नहीं है. तो 17 नंबर, लेकिन आपकी वोटिंग पोल मानी जाएगी. तो ये ऑप्शन है आप जैसे युवा के लिए जो वोट सिर्फ इसलिए नहीं डाल रहे, क्या आप इस ऑप्शन को अपनाएंगे? हाँ, ये ऑप्शन मैं जरूर अपनाऊंगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा जो कि अब बहुत ही कम जाते हैं और जाएंगे. हम पोलिंग बूथ पे जरूर जाएंगे और 17 नंबर फॉर्म लेके फिल करके देंगे, और ताकि आगे जो जो भी यहाँ पे फॉर्म फिल करे भैया एमपी के इलेक्शन के लिए या एमसी के लिए, वो एक यूथ एजेंडा जो साथ में लेके आएगा फिर, मेरे को ऐसा लगता है अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो. थैंक यू आमिर जी.